नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिलौर नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से ट्रैक्टर सहित कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त, मीलों तक लगा लंबा जाम। जालंधर देहात पुलिस ने नकोदर के व्यापारी से 45 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के बटाला रोड स्थित होटल में स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा देव व्यापार, पुलिस ने रेड कर 5 लड़के और 2 लड़कियों को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। फिलौर नेशनल हाईवे पर भगवान मैया दरबार के नजदीक एक बजरी से भरा ट्रक गहरी धुंध के कारण पलट गया, जिसके पीछे लकड़ी के बुरादे से लदा एक ट्रैक्टर था और उस ट्रैक्टर में एक गन्नों से भरी ट्राली आकर टकरा गई और वह भी पलट गई, जिस कारण सड़क पर भारी जाम लग गया और देखते ही देखते वाहनों की मीलों तक लंबी कतारें लग गई। जब इस घटना संबंधी फिलौर पुलिस को सूचित किया गया तो मौके पर डीएसपी जगदीश राज, एडिशनल एसएचओ पंकज कुमार और सब इंस्पेक्टर बलजीत भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान क्रेने मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से दूर करवाया गया। गनीमत यह रही कि वाहन चालक बाल बाल बच गए, लेकिन इस दौरान एक ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं लंबी दूरी की बसें, तीर्थ स्थानों पर जा रही यात्रियों से भरी बसें और यात्री बेहद परेशान नजर आए और कुछ एम्बुलेंस गाड़ियां भी फंसी हुई दिखाई दी। कई बसें फिलौर में यात्रियों को उतार कर वापिस चली गई। इस दौरान लुधियाना से जालंधर 6 लेन चालू रहा और उस सड़क पर यातायात बहुत धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਰਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਕੁਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟਰੰਕ ਪਲਟਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਧੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਆਹ ਕੁਦਰਾ ਭਾਜੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 4:30 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। नंगा लगा तो पलट गया जी। उस तो बाद जी मगर पठे ट्राली आंदी सी लगन के कारण हादसा जो होया जी। जालंधर देहात पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब नकोदर के व्यापारी से 45 लाख की फिरौती मांगने गिरोह के 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपीडी सरबजीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से राहुल कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि टिम्मी चावला नकोदर मर्डर केस के बाद से ही नकोदर के व्यापारी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाना चाहा। वह जिस सैलून में काम करता था उसके मालिक की किराए की दुकान थी, जो कि व्यापारी संजीव कुमार की है, और उसकी मार्केट में और भी बहुत सारी दुकानें हैं, जिसके बाद अपने परिवार वालों के साथ मिलकर व्यापारी संजीव कुमार से 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और उसे टिम्मी चावला मर्डर के केस का हवाला दिया गया ताकि वह डर जाए, और साथ ही उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई और टेक्नोलॉजी और अन्य स्रोतों की मदद से इनका पता लगाया गया और इन्हें पकड़ लिया गया। एसपीडी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पहचान राहुल कुमार, सुखविंदर कौर, सिमरनजीत सिंह उर्फ सनी के रूप में हुई है, जबकि चौथा साथी जसकरण सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिटी नकोदर जलंधर देहाती दे विच एफआईआर नंबर असी एक दर्ज की, साड़ी
टीम नू पुशप बाले जी की टीम नू एक ह्यूमन सोर्स राही पता लगा सी भी नकोदर सिटी दे विच एक गैंग बनिया होया जिहड़ा कि व्यापारियों नू फोन करके और मैसेज दे के धमकी भरे उन्हां नू जानों मारन की धमकी दे के उन्हां तो फरौती की रकम मंग रहा है और जिहदे विच एक संजीव कुमार का नाम का व्यापारी सीगा जिहड़ा कि शहर दे विच ही वो रहिंदे हैगे आ और उन्हों इन्होंने मैसेज किया और कॉल की भी अपना सानू 45 लाख रुपया दे दे नहीं तो तेरे ते तेरे परिवार को असी बड़ा नुकसान करांगे और एग्जाम्पल दिती टिमी चावला जी उस मैसेज दे विच और उस गैंग दे टोटल 4 मैंबर सीगे और उदे विच तिन्नां नू असी अरैसट किया एक लेडीज़ हैगी और 2 बंदे हैगे आ एक जसकरन है जीरे तो और 2 लोकल ही हैगे नकोदर सिटी तो उन्होंने असी अरैसट किया और फर्दर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन साडी चल रही है भी इस गैंग दे कोई होर भी मैंबर जे होए वो भी अरैसट करांगे और हुण असी अज इन्हां नू पेश करके रिमांड लवांगे इन्हां दा एक होर गैंग दा मैंबर हैगा जिहड़ा एट लार्ज हैगा आ उहदे ते 3 तों 4 मुकदमे उत्ते दर्ज हैगे। पंजाब में लगातार ही स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार का धंधा जोरों शोरों से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब भी इस संबंधी कोई सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी जरूर करती है, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है अमृतसर के बटाला रोड स्थित रंधावा होटल का, जहाँ स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। वहीं थाना मोहकमपुर पुलिस को जब इस संबंधी सूचना मिली तो पुलिस ने बटाला रोड स्थित रंधावा होटल में रेड की और उन्होंने देखा कि होटल की दूसरी मंजिल के ऊपर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, तो वहीं पुलिस ने मौके पर से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना मोहकमपुरा के पुलिस अधिकारी बिंदरजीत सिंह ने बताया कि नव वर्ष के उपलक्ष में उनकी ओर से इलाके में चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रंधावा होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जब पुलिस ने पार्टी बनाकर रेड की तो पुलिस ने वहां से 5 लड़के और 2 लड़कियों को काबू किया। वहीं उन्होंने बताया कि लड़कियां भी अमृतसर के बाहरी जिलों की रहने वाली हैं और उनकी पहचान पुलिस ने गुप्त रखी है। वहीं उन्होंने कहा कि उनमें से 1 लड़की विवाहित है और 1 लड़की कुंवारी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी ब्रदर, कल अपने नवे साल के संबंध च मानजो कमिश्नर साहब वालों ड्यूटियां लगियां सीगियां साडियां, सारे शहर के नाके लगे सीगे प्रोपर, तो मेरी पेट्रोलिंग ड्यूटी ही तो नाले नाके चेक करन दी। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਸਨ ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਟਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁਤਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 2nd ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 2 ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ 2, ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, 1 ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ?
हाँ जी बिल्कुल ब्रदर, ये ध्यान च आई गल, बट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ, आप पूरा ढंगाई नाल जांचांगे कि इस तरह का किहड़ा रैकेट चला रहा। कितनी देर तो ये कर रहे सी? मेरी तो जिहड़े कल ही नॉलेज ये आया जो सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली है, उदा यह हैगा भी इलाके दे विच चल रहे हैं, मैनू अजे थोड़े दिन होए इत्थे आने। कोई नशा नुशा भी उत्थे बरामद होया, हुक्के या इस तरह की कोई चीज़? नहीं, इस तरह की कोई भी हुक्का जां नशा कोई भी नहीं बरामद होया। उत्थे एज किन्नी किन्नी इन्हां सारे दी अंदाजा? जड़ी एक लड़की है उहदी एज 20 साल है उहदे दसण मुताबक, ते दूसरी लड़की उहदी 30 साल दी एज है। ते लड़के भी नहीं? ते जड़े लड़के आ हाँ जी वह भी इस तरह 20 तो अपने 30-35 इत्थे एज है। ए मैं लड़कियां मैरिड ने या फिर अनमैरिड? एक लड़की इन्हां दे विचों अनमैरिड आ ते एक मैरिड जे। ते हुण अगली कारवाई की कीती? अगली कारवाई इन्हां नूं अज पेश करवावांगे मानजो कोर्ट दे विच, ते जड़ी अगली तफतीश चलाई जाऊगी, ते जड़ा जदा भी नाम हो रहा होगा उन्हों मतलब विच नामजद किया जाऊगा। सर इस तरह के जो होर भी बहुत काम कई जगह चलते जिते प्रशासन की नक् थले चलते पे ने, पर पता शायद नहीं पता लगता, तो उन्होंने नकेल कसम से अगला कदम की चुके जाते? हाँ जी बिल्कुल जी, साडे सीनियर अफसर साहबान वालों मतलब सख्त हदायतां ने, पहलां दा तां मैनूं पता नहीं, बट हुण आउण वाले टाइम दे विच पूरी सख्ताई नाल मतलब कार्रवाई की जाऊगी जी। सुल्तानपुर लोधी के बस स्टैंड से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटों के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी की मोर्चरी में रखवा दिया है और धारा 174 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कोई अपनाएगा जी, अनवारान पजाता व्यक्ति है, डेड बॉडी मिली है, डेड करने की मौत हुई है, शिनाख्त 72 घंटे सिविल अस्पताल मोर्चरी की रखी जा रही है। अगर शिनाख्त होगी ठीक है, ना शिनाख्त होगी तो यह 174 की कार्रवाई करके संस्कार जो सरकारी सन्मान किया जाएगा। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਨਪਛਾਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਅਨਪਛਾਤਾ ਹੀ ਹੈ। थाना सदर नकोदर की पुलिस ने सोने का काम करने वाले सुनार से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बब्बी निवासी गांव बाठ नूर महल, बलविंदर कुमार उर्फ विक्की निवासी रविदासपुरा मेहतपुर और अमनप्रीत सिंह उर्फ अपना निवासी खुरशैदपुर नकोदर के रूप में हुई है। SPD सरबजीत सिंह और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि थाना सदर नकोदर के प्रभारी इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह को अरविंदर कुमार निवासी गुरु नानकपुरा नकोदर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उसे धमकी भरे कॉल कर उससे 8 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह ने टेक्निकल टीम के साथ मिलकर तीनों व्यक्तियों को कपूरथला रोड उग्गी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साजिश में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड लेगी ताकि और भी कई खुलासे हो सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सदर नकोदर जालंधर देहाती दे विच SHO पलविंदर सिंह नू टिप ऑफ ते एक FIR नंबर असीं दर्ज कीती है 202-31-12 नू, जिहदे विच असीं 3 अक्यूज्ड फड़े हैगे आ, बब्बी बलविंदर और अमनप्रीत। ये अपने वक् वक् नंबरों तो ये नकोदर दे एक व्यापारी नू जिहड़ा कि सुनियारे दी शॉप ते हैगी उन्हां तो 8 लाख दी इन्हां ने फरौती मंगी सी और उहदी इन्वेस्टिगेशन ते सानू साडे SHO साहब नू टेफ अप ते असी उन्हां नू अरैसट कीता। हुण साडे कोल रिमांड ते हैगे आ और रिमांड दौरान असी देखांगे वी इहने इक्को इस ही सुनियारे नू कीती जां होरां नू वी कीती आ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਔਰ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਕਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाबी हमारी माँ बोली है और इसका सम्मान होना भी चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से सभी सरकारी और गैर सरकारी दायरों को कह दिया गया है कि अपने बोर्ड पंजाबी भाषा में लगाएं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब लोगों द्वारा बोर्ड लगाने शुरू कर दिए गए हैं। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन पर कुछ समय बाद एक्शन लिया जाएगा और सख्ती के साथ पंजाबी भाषा में बोर्ड लगवाए जाएंगे। वही SYL मुद्दे को लेकर होने जा रही मीटिंग संबंधी उन्होंने कहा कि पहले भी दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री अपना स्टैंड एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले ही नदियों को डिवाइड किया गया है और पंजाब के पास हरियाणा को या फिर किसी और राज्य को देने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, पिछले दिन ही पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने ऐलान किया कि पंजाबी जिहड़ी बोली है, जिहड़ी पंजाबी भाषा, वो असी सरकारी गैर सरकारी जिन्हें भी अदारे है, कोई दुकाना ने, उन्होंने बाहर लिखनी जिहड़ी है वो लाजमी जिहड़ी है वो करनी है। वैसे तो देखो ये पंजाबी सूबा है, बहुत पहला यह जिहड़े CM रहे ने कोई उन्होंने वालों हो जाना चाहिए सी, पर क्योंकि भगवंत मान जी मिट्टी नाल जुड़े हुए, पंजाबी नाल जुड़े हुए, पंजाबी नूं प्यार करन वाले मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ऐलान पिछले दिन ही किया। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी तक सारिया लई करना यह लाजमी है, जिहड़े नहीं करनगे तो उस तों बाद जिहड़ा उन्होंने विरुद्ध जिहड़ी कोई कार्रवाई कोई फाइन जिहड़ा वो रख्या जाऊगा। पर साडी कोशिश है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा इहनूं असीं इक मुहिम बनाईए, पंजाबी नूं भी घट्टो घट्ट लागू करवाउण दे लई सानूं समझदे आ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ जिहड़े पंजाबी आ साडी सारे जिम्मेवारी है। इहदे लई वी मैनूं लगदा कि सानूं सख्तीकरण दी जरूरत ना पवे। सानूं सारे ही असीं पंजाबी बोलदे आ, पंजाबी पढ़दे आ, पंजाबी नूं प्यार करदे आ, असीं सारे ही अपने आप, कोई किसी दा, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई दुकान है, कोई मॉल है, जां कोई वड्डी कोई इंटरनेशनल चेन भी है, उन्हां सारिआं नूं ही, क्योंकि रहिंदे तां असीं पंजाब 'च ही आ ना, जम्मे पंजाब 'च आ, खांदे पंजाब दा। सो सानू सारिआं नूं चाहीदा कि असीं पंजाबी अपने आप लिखीए। सो इहदी शुरुआत अज इत्थों जलंधर तों कीती गई है, क्रीमिका जलंधर दी, सुपर क्रीमिका जलंधर दी मशहूर जिहड़ी बहुत पुरानी, तकरीबन 50 साल तों ज़्यादा पुरानी ये दुकान है। मैं अशोक जी नूं वधाई दिना जिन्हां ने पंजाबी दा जिहड़ा अज इत्थे बोर्ड ला के इहदी शुरुआत कीती है। मैं बाली भाजी नूं मुबारकबाद दिना, मान जी नूं मुबारकबाद दिना, अरोड़ा साहब के हल्के साडे विधायक जी इत्थे मौजूद है, मैं उन्होंने बहुत वधाई दिना। तो आने वाले समय च जिथे असी इनू मुहिम बनाने की कोशिश कराएंगे, उत्थे मैं समुचे पंजाबियों नूं, सारे दुकानदारां नूं, सारे जो भी अदारे चला रहे, मैं सारे नूं ये बेनती करनी चाहुंदा कि आओ आपां सारे रल मिल के साडी जिहड़ी पंजाबी बोली नूं प्रफुल्लित करन दे लई, पंजाबी माँ बोली दी असी जिहड़ियां ये कह लो भी बार प्लेट्स है, सारे पंजाब दे विच इहनूं मुहिम बनाईए, सारे इहदे च जिहड़ा साथ देण, तां कि साडे जिहड़े बच्चे भी, कोई बच्चा कल नूं इस दुकान ते आऊगा तां अंग्रेजी दे नाल नाल उपर पंजाबी लिखी भी पढ़ूगा। साडा देखो कोई किसे हिंदी अंग्रेजी दे नाल विरोध नहीं, साडा इह है भी भाई साडी माँ बोली जिहड़ी है ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 22 ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਤਾ। ਸਰ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ,
पंजाब को तुपका पानी का जोड़ा हरियाणे जा किसी होर सूबे देने है ही नहीं। सो इस करके कोई सवाल ही जोड़ा वो नहीं पैदा।